घुंघराले बाल हैं, पीत अंबर पीले रंग के वस्त्र धारण करता हूं अक्सर, बंसी वेणु मुरली बजाता हूं, कांधे पे कभी कभी काली कामर होती है और गाय चराने जाता हूं, मैं यशोदा का लाल बन के आता हूं कभी इस धराधाम पर, कभी उस धराधाम पर किसी और का लाल बन के जाता हूं। मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण को चित्त में बिठा लो अर्जुन, मुझे अपने चित्त में बसा लो अर्जुन, तुमको मेरी प्राप्ति नहीं, मुझसे कभी बिछोड़ नहीं होगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा एक सच्चे मित्र की तरह। मच्चिता मदगत प्राणा, जो भी तू करता है मेरे लिए कर, तू अपने भाई को राजा बनाने के लिए ये युद्ध मत कर, तू अपनी विजय को प्राप्त करने ये युद्ध मत कर, कौन कहता है तुझे, नहीं ये युद्ध मेरी प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्न करने के लिए ये महाभारत युद्ध कर, ये हाथाताइयों को ये वैरियों ये दुष्ट लोगों को मैं संहार करने के लिए यहां पर आया हूं, और ये श्रेय तुझे देना चाहता हूं, तू युद्ध कर, ये मेरा कर्म है, तू क्षत्रिय है तेरा धर्म है कि दुष्टों को संहार करना, आतंकियों को मारना, सज्जनों की रक्षा करना, वही मेरा लक्ष्य है। जहां भी जब भी मैं प्रकट होता हूं मेरे भी यही कर्तव्य होते हैं, संतों की रक्षा करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं, शुद्ध आदमियों को बचाता हूं और दुष्टों को मारता हूं और धर्म स्थापित करता हूं, धर्म को टीका निकालता हूं, सिंहासन पर बिठाता हूं। तो ये युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए कर। मदगत प्राणा, जितनी भी तेरे अंदर प्राण शक्ति है वो सबको मेरी सेवा में लगा दे, मेरी सेवा में नहीं लगाएगा तो पछताएगा, फिर तो इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा तो ममता मोह में फंसेगा, काम क्रोध में उलझेगा, ईर्ष्या और लालच तुझे घेरेंगे, ये शत्रुओं से घिरा रहेगा और तेरा जीवन घिनौना बन जाएगा, तू नरक की गति प्राप्त करेगा। तू अपनी प्राण शक्ति को मेरी सेवा में लगा, जो भी तू करता है यद करोसी, जो भी कुछ करता है मद कुरुष्व तद अर्पण, मुझे अर्पण कर, मेरे लिए उस कर्म को कर। तो जिस व्यक्ति के चित्त में भगवान विराजे हैं वो जो भी करेगा भगवान के लिए ही करेगा, कैसे वो पाप कर्म करेगा, फिर कैसे वो सतपथ से अपने रथ को झूठे पथ पर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, वो सतपथ पर अपने रथ को रखेगा, अपने जीवन रथ को, वो भगवान की सेवा में ही संलग्न रहेगा सदैव, वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, वही भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। मदगत प्राणा बोधियंत हो परस्परम, और मेरे भक्तों में जाकर के जहां मेरे भक्त सत्संग कर रहे हो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर, मेरे योग ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त कर, मेरा तत्व ज्ञान प्राप्त कर, मैं कौन हूं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, ये जब मेरे भक्तों के अंदर जाएगा, बैठेगा, आसन लगाएगा, सत्संग में हाजिर होगा, तो सारा ज्ञान तुझे मिलेगा, बोधयंत, तब तुमको बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, किस तरह से मुझे पाया जाता है, किस तरह से मुझे रिझाया जाता है, किस तरह से मुझे जाना जाता है,
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत्यश्च माम भक्त्या। और मेरी जितना तो मुझे जान गया है, जितना प्रेम तेरे हृदय में भर गया है, जितने कर्म करके मुझे रिझा लिया है, ये सारा आनंद को मेरे भक्तों में कहे। कथयंतश्च माम भक्त्या, मेरा वैभव जान गया है तो भक्तों में इसका चर्चा कर, मेरी लीलाओं को समझ गया है तो भक्तों में चर्चा कर इनको, उससे तेरा तेरी भक्ति और बढ़ेगी, तो और पवित्र होगा। जब कोई संत कथा कहता है तो कथा से आपको ही पवित्र नहीं करता, वो खुद भी पवित्र होता चला जाता है, दोनों का लाभ मिलता है, वक्ता को भी और श्रोता को भी। भगवान कह रहे हैं कथयंत्यश्च माम भक्त्या, मेरी भक्ति को सब लोगों में बोल कि मेरी भक्ति क्या है। तुष्यंती च रमंती च, पूरी तरह से संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई होकर, जमाने में रहकर, जो भी तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहकर। आज यदि कोई व्यक्ति संतोष धारण किए हुए तो कल का सूर्य उसको अच्छा उदय होता है, असंतोषी को कभी नहीं, जीवन भर नहीं। संतोषी, संतोषी का मतलब यह नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि संतोष है हमको, तो एक झोपड़ी में रह रहे हैं, थोड़े चावल घर में खाने को है, दाल नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी मिर्ची से ही खा लेंगे, बड़ा संतोष है जी हमको तो। नहीं, भगवान ऐसे संतोष के लिए नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य तो करना है, कर्तव्य करना तो ये मनुष्य का धर्म है, कर्म तो धर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म के बिना तो पेट का गुजारा नहीं होता, फिर शरीर का गुजारा कैसे होगा, कैसे सर्दी गर्मी से बचेगा, मकान भी चाहिए, उत्साह आनंद भी चाहिए। नहीं, जो भी आज किया है उसमें संतोष कर, आज जो तेरे पास है उसमें संतोष धारण कर, कल की फिक्र छोड़ दे, पीछे क्या हुआ उसको भी भूल जा, आज जो तेरे पास है तो उसमें संतोष कर, परम संतोष, संतोष आनंद। आज तेरे अंदर जितनी भक्ति है उसमें संतोष ही रहे, उसमें ही आनंदित रहे, दूसरे की, महापुरुष की, महाशुद्ध भक्त की भक्ति को देख के जले मत और अपना छोटा मन मत करे। तुझ में जितनी भक्ति है, जितना तेरे अंदर भक्ति का बल है, उसमें तू आनंदित रहे, उसमें आनंद मना, आज आनंदित रहे, जिस हाल में भी है, जिस रूप में भी है, जिस शरीर में है, जिस घर में है, जिनके संग है, संतुष्ट, पूरी तरह से तुष्यंति, संतुष्ट रहो, आनंदित रहो, क्योंकि कल किसने देखा है, कल तो नहीं देखा किसी ने, तो फिर कल की सोच क्यों रहे हो, कल आएगा या नहीं आएगा, कल का सूर्य किसी ने देखा नहीं, आज का सूर्य तो खिला हुआ है, तो इसका आनंद लेने से क्यों चूकते हो, आज की रात चंद्रमा खिला है, पूर्णमासी की रात है, हजारों तारों के साथ, इस रात का तो आनंद लो,
सूर्य उदय होगा कि नहीं कल का पता नहीं, आज संतुष्ट हो जाओ कि मेरे पास सब कुछ है। हे प्रभु, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे पास नहीं, सब कुछ है, सर्व आनंद है। भारत में ये बड़ी अच्छी प्रथा है, जब कोई पूछता है कैसे हो तो सामने से जवाब मिलता है मजे में हूं। लेकिन ये मजे में शब्द जो है ये पूर्ण रूप से होना चाहिए, तब जाके मजे में है। ये नहीं मजे में हूं फिर और सुनाइए, क्या सुना है, घर में पैसा नहीं है, कर्ज चढ़ा हुआ है, बेटे को बीमारी हो गई है, पत्नी छोड़ के भाग गई है। तो भैया तुम अभी तो कह रहे थे कि पूरी तरह मजे में हूं, अब क्या हो गया? ये मजे की मजा कुछ, पर्दा कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है, ये क्या चक्कर है? पर्दे के बाहर कुछ और है, पर्दे के बाहर तो तुम कहते हो मजे में है जी, आनंद है जी, कृपा है जी, कृपा है उस प्रभु की। और फिर पूछो कि और सुनाओ कुछ, कोई नई बात, नई ताजा क्या है, दुखी जीवन चल रहा है, डायबिटीज ने पकड़ लिया है, डायबिटिक्स हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, मैं यहां अमेरिका में हूं, इंडिया में मेरी पत्नी बैठी, उसको वीजा नहीं मिल रहा है, सारे असंतोष के मार्ग पर्दे के पीछे हैं। और संतोष से आप बड़े संतोष की सांस लेकर बोलते हैं मजे में हूं जी, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट होकर रहिए, जिस हाल में भी आप हो उसी में भगवान को धन्यवाद दीजिए। चाहे आपको बुखार चढ़ रहा हो, भगवान कहिए धन्य हो प्रभु, कुछ न कुछ मेरे हित में हो रहा है। मृत्यु भी आके खड़ी हो गई हो तो भी उस प्रभु को तो धन्यवाद ही दीजिए कि धन्य हो प्रभु, जितना जीवन जिया बड़े आनंद से जिया, शीतल जल पिया, स्वादिष्ट भोजन खाया, अच्छे वस्त्र पहने धुले हुए, सर छुपाने को जगह भी थी, कोई कमी नहीं थी। अब मृत्यु आ गई है तो वो भी स्वीकार है, प्रभु धन्य है आप। संतोषी सदा सुखी, बहुधंधी सदा दुखी। बहुधंधी किसको कहा है? जिसकी बुद्धि तरह तरह के भोगों के लिए भाग रही है वो बहुधंधी नहीं, एक ही महाभोग कीजिए ने, वो भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए, इससे बड़ा महाभोग कोई है नहीं। ये मेन चीज को, ये महाभोग को तो भूल जाते हैं और तरह तरह के भोगों पे उछलते डोलते हैं, फिर वहां संतोष नहीं मिलता, असंतुष्ट रहते हैं। आशा तृष्णा कभी मरती नहीं, वो तो खड़ी रहती है। तृष्णा दिन पर दिन बढ़ती है, आशा भी बढ़ती है। जैसे जल में पानी, नाव के अंदर पानी बढ़ता जाता है, सुराख हो जाए, कोई होल हो जाए नीचे से नाव के अंदर, तो पानी बढ़ता जाता है प्रतिक्षण, ऐसे ही ये आशाएं बढ़ती हैं, तृष्णाएं बढ़ती हैं, प्यास ऐसे ही तो लगती है आदमी को। अभी थोड़ी सी प्यास है, आधा सा गिलास देना भैया, लेकिन दो घंटे बाद पूछो बोला पूरा गिलास भर के देना, या फिर 12 घंटे बाद पूछो तो दो गिलास दो भैया, एक गिलास और दे दो, तो प्यास बढ़ती जाती है। ऐसी ये संसार है, बचपन में तो एक खिलौने की प्यास थी, फिर प्यास बड़ी हुई साइकिल की और मोटरसाइकिल की और फिर कार की, फिर एरोप्लेन में तो बैठे ही नहीं, प्यास बढ़ती जाती है। एरोप्लेन में भी बैठ गए, अब क्या करोगे? तो अभी एरोप्लेन खुद का बने ऐसा काम करें तो प्यास कभी कम हुई? पहले तो प्यास यही थी कि कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, हे भगवान मुझे एरोप्लेन में मेरी भी एक सीट हो, और भगवान ने दे दिया, ऐसा दिखाया तुमको सीट मिल गई। अब क्या कर रहे हो? एरोप्लेन बैठने के बाद अब एरोप्लेन बनाने के लिए
प्यास बढ़ गई है, अब एरोप्लेन बना रहे हैं साहब। अमेरिका में क्या कर रहे हो जी? अजी एरोप्लेन बना रहे हैं और कर क्या रहे हैं? और एरोप्लेन बना ले जब क्या करोगे? फिर एयरलाइंस चलाएंगे, हमारी खुद की कंपनी हो जिसके जिसके एरोप्लेन उड़ रहे हो, कोई जापान कोई टोक्यो जा रहा हो, कोई बेजिंग जा रहा हो चाइना में, कोई फ्रैंकफर्ट जर्मन में जा रहा हो, कोई लंदन में जा रहा हो, फिर एरोप्लेन बनाएंगे, एरोप्लेन की कंपनी बनाएंगे, एयरलाइंस चलाएंगे, किंग फिशर जैसे चलिए ऐसे हम भी एक एयरलाइन चलाएंगे। तो ये प्यास कभी खत्म नहीं होती। तो आप असंतुष्ट होकर के मर जाते हो, मरना तो पड़ता है, चाहे एयरलाइन चलाओ या एरोप्लेन बनाओ, मृत्यु तो आती है। भगवान कहते हैं कि आज तुम संतुष्ट हो जाओ, पूरी तरह से पूर्ण संतोष, कोई कमी नहीं है, दुखी मत हो, आनंद मग्न रहो, तो कल तुम्हारा सूर्य जरूर अच्छा निकलेगा। आज असंतुष्ट हो तो कल वो असंतुष्टि और डबल हो जाएगी, 10 times अधिक हो जाएगी। आज संतुष्ट हो, जो मिला है उसमें संतुष्ट हो, कल फिर हम कर्म करेंगे उस प्रभु को रिझाने। अपने लिए नहीं पचो, जमाने के लिए पचो, उस परमेश्वर के लिए पचो। अपने लिए कड़ी मेहनत मत करो, उस भगवान को रिझाने के लिए कड़ी मेहनत करो, उस प्रभु के सभी के हृदय में दर्शन करो और सबको लाभान्वित करो, सबको आनंद दो, आनंद लुटाओ। भगवान संतुष्ट होने के लिए कह रहे हैं, तुष्यंती च रमंती च, रमंती मतलब अपनी आत्मा में रमण करना, आत्मा में ही परमात्मा विराजते हैं। जो आत्मा में रमण करोगे तो परमात्मा के बिल्कुल ही नजदीक होगे, क्योंकि आत्मा में ही तो परमात्मा बैठे हुए हैं, आत्मा में ही तो विष्णु भगवान चतुर्भुजी विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु सुपर सॉल की तरह, सॉल के अंदर भी सुपर सॉल है तो बैठे हुए हैं। ऐसे ही जैसे किसी कार के अंदर ड्राइवर बैठा हो, आपके शरीर में आपके हृदय में आत्मा के हृदय में, ये फिजिकल बॉडी के हृदय में नहीं, जिसको डॉक्टर चीर फाड़ करके बाहर निकाल देते हैं, ऑपरेशन करके फिर फिट कर देते हैं, इस हृदय की बात नहीं है, आत्मा के हृदय में, आत्मा के सेंटर में परमात्मा का वास है, ये कभी नहीं भूलना। अगर वो नहीं हो तो आपका जीवन मूर्छित हो, कंप्लीटली मूर्छित। वो चैतन्य है इसलिए चैतन्यता है, जैसे सूर्य है तो सारे ग्रह नक्षत्र चमक रहे हैं, चैतन्य है, प्रकाशमान है, उष्ण है, गर्मी प्राप्त कर रहे हैं, जीवन है, हम सब जिंदा हैं, हमारे शरीर जिंदा है। ऐसी आत्मा परमात्मा के बिना प्रकाशहीन हो जाती है, परमात्मा आत्मा के अंदर है इसलिए प्रकाशित है, प्रकाशवान है, पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। तो आत्मा के अंदर रमण करने का तात्पर्य है कि आत्मा आप आत्मवत हो जाओगे तो परमात्मा के नजदीक हो, अपने आप को नहीं जानोगे तो कैसे परमात्मा के नजदीक जाओगे? तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, हम आत्मा के नजदीक जाने के लिए बाहर मुखी नहीं, बाहर के भोग विलासों को बंद करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आत्मा के जो महाभोग हैं उनको करना पड़ेगा, आत्मा के महाभोग हैं भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की सेवा भक्ति।
लेकिन बीच में आ जाते हैं ये मन और बुद्धि जो भौतिक संसार के लिए तरस रहे हैं, तो इनको शुद्ध करना पड़ता है, इनको निखारना पड़ता है, इस कॉन्शियसनेस को, इस भावना को पवित्र करना पड़ता है। पवित्र जब कॉन्शियसनेस हो जाती है, आपकी भावना जब पवित्र हो जाती है, तो भगवान के दर्शन होते हैं। तब आप आत्मस्वरूपा हो जाते हैं। जब आप आत्मस्वरूपा होते हैं तो आपकी भावना शुद्धतम होती है, और शुद्धतम भावना में यदि गोविंद का ज्ञान हो, आपको भगवान को तत्व से जाना हो, कृष्ण भगवान को मोर मुकुट धारण किए हुए देखा हो, जाना हो या सुना हो, तो उनसे प्रेम हो जाता है। वो प्रेम ही परम लक्ष्य है जीवन का। भजौ रे मन श्री नंद नंदन आभाय चरणार विंद रे, भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। वो अभय चरणार विंद है, उनकी शरण में जाने से हमको निर्भयता प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है, तुष्टि प्राप्त होती है, पुष्टि प्राप्त होती है। हमारा सच्चा रमण, अभी हम जग में रमण कर रहे हैं, अभी हमारा भ्रमण रमण जग में हो रहा है, जग भोगों में। सात समुंदर पार जाते हैं ये जग भोगों को करने। रब भोग नहीं किए, वो भगवान के भोग नहीं किए, भगवान को भोग लगा करके कभी प्रसाद नहीं खाया, तो संतुष्टि कैसे मिले? संतुष्टि तो मिलेगी भगवान के प्रसाद खाने से। आदमी को संतुष्टि जानवर खाने से नहीं मिलती या शराब पीने से नहीं मिलती। असंतुष्टि जरूर बढ़ती है, दानवता बढ़ती है, मानवता नहीं मिलती। फिर भक्ति तो कैसे मिलेगी? भक्ति तो मानवों में जो भक्त होता है उसको मिलती है, जो भगवान को भोग लगाता है सुंदर व्यंजन बना करके, और फिर प्रसाद स्वरूप से वो अब खुद भी खाता है। जो भगवान के लिए सुंदर महल बनाता है और भगवान को स्थापित करके उस महल में खुद भी रहता है। जो अपने खेत में खेती करता है और खेत में पैदा हुआ अन्न दूसरों को भी खिलाता है, भगवान को भोग लगाता है, चिड़ियों को खिलाता है, कबूतरों को खिलाता है, गाय को खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, भूखे को खिलाता है, आए गए मेहमान को खिलाता है, ये सब भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान को जाना नहीं तो ये मामला अधूरा रह जाता है। भगवान को तत्व से जान लेना, वो सभी के हृदय में बैठे हैं। तब आप किसी को खिलाओ तो ऐसे ही खिलाना जैसे उस विष्णु भगवान को खिला रहे हो, तो आप अवश्य ही उस भगवान को खिला रहे हैं जो परमेश्वर है, जो परम विष्णु है, जिसको कृष्ण कहके बोला है, राम कहके बोला है, गोविंद कहकर बोला है, गोपाल कहकर बोला है, नारायण कहकर बोला है, अल्लाह कहकर बोला है, गॉड कहकर बोला है। वो एक है, वो परम शक्ति है, वो आदि पुरुष है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। प्रेमांजन छुरिता
भक्ति विलोचनी भक्ति के नेत्रों में, भक्ति के नेत्र क्या है? भगवान की सेवा। ये भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन, भगवान की सेवा करते करते भगवान के भक्तों के नेत्रों में प्रेम भर जाता है, हृदय में प्रेम की बाढ़ आने लगती है। संत लोग अपने हृदय में विराजमान उस परम विष्णु के दर्शन करते हैं, क्योंकि सब विष्णु उन्हीं के रूप हैं। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी कृष्ण हैं। आप आत्मा स्वरूप से हैं, वो भी आप भगवान के ही अंश हैं, आप भी कृष्ण हैं, लेकिन छोटे कृष्ण, बहुत छोटे से कृष्ण, अणु के समान कृष्ण। आप में बहुत शक्ति है, बड़े शक्तिवान हैं, ये आत्मदेव बड़ा बलवान है, लेकिन फिर भी उस परम बलवान के सामने तो एक अंश है, छोटा सा कण है। आत्मा भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण का अंश है। एक हीरे का खजाने से एक हीरे का कण हो, वो भी हीरा है, लेकिन खजाना खजाना है, जिसमें से हीरे निकल रहे ट्रक भर भर के। वो सारे हीरों का कारण है, सर्व कारण कारण गोविंद, सब कारणों के कारण है, आपके भी कारण है, शिव ब्रह्मा के भी कारण है, विष्णु के भी कारण है, वो परम विष्णु है। तो उस परमात्मा में रमण करना, भगवत भावित होना, कृष्णा कॉन्शियस होना। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, नवे साल भी होवे बधाई, ताजिया हरिया सब्जियां, मन पौंदे फ्रेश फल, इंडियन बेस्ट इंडियन पाकिस्तानी अते बंगाली ग्रोसरी खरीदन दे लई 7 दिन 24 घंटे आप दी सेवा करता है। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, 114-15 अटलांटिक एवेन्यू, रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क। बधेरे जानकारी लई कॉल करो। बच्चे दे भविख बारे चिंतित हो या जानना चाहते हो केड़ी फील्ड च है ओदा भविख रोशन, ओ बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, मॉडल या कुछ होर। डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस द्वारा तुसी पता लगा सकते हो केड़ी फील्ड च है तुहाडा बच्चा माहिर। आवर साइंटिफिक मेथड्स विल हेल्प यू टू मिनिमाइज टाइम एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, पर्सनलाइज एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मेक्स एकेडमिक एंड करियर चॉइसेस इजीियर। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 9179155744। ਲੂਜ਼ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 12 ਪਾਉਂਡ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-979-2348 ਤੇ ਫੋਰਐਵਰ ਫਿਟ ਰਹੋ। I can only say that this is one of the best kept secrets around. Forever fit. यमराज, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा क्रेडिट तो खराब हो चुका है, तू घर खरीद नहीं सकता, नई गाड़ी ले नहीं सकता, तुझे साइकिल का फटा हुआ टायर भी नहीं मिलेगा, तू इस धरती पर रह के क्या करेगा, चल मेरे साथ। मगर मैंने पहले ही ज़ाइनो क्रेडिट रिपेयर को कॉल करके अपना क्रेडिट ठीक करवाया था। और अगर तुम्हें अपना क्रेडिट ठीक करवाना है तो आज ही कॉल करो ज़ाइनो क्रेडिट रिपेयर। कॉल 1-800-400-ZINO और लॉग ऑन टू ZINOcreditrepair.com। अपना फ्यूचर रिपेयर करो।